अच्छा मानवेंद्र नाथ द्विवेदी, जी, पंडित तो स्वामी जी महाराज के दखा दिया हुआ नाम है ये वाओ वाओ, बहुत मुंबई। सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और ये तो बिरले लोगों को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता हाँ, है, उनकी बिल्कुल कृपा बड़ी कृपा रही। और रहे। तो आपसे जो है, मैंने अभी पढ़ा आपको, तो मैंने कहा आपने भैया से मुझे पूछ कहाँ लें। पढ़ लिया है? अच्छा, अभी मैंने फेसबुक पे पढ़ा, उठाओ गांडीव हे पार्थ हे उठो, पार गांडीव उठाओ, यह धर्म करना युद्ध है, इसे करना ही होगा, ही अन्यथा होगा। जो है आपकी आने वाली संतानें आपको हाँ, एक धनुधारी की बजाय कायर के रूप में जानेंगी शत्रु और आपके चरित्र के ऊपर वो अपने आप को लज्जित महसूस करेंगे, शर्मिंदित महसूस करेंगे। मतलब आपको हमेशा, मतलब पढ़ता रहा हूँ आपके बारे में, हमेशा नॉलेज रही है। आपका संघर्ष भी देखा है मैंने, किस तरीके से नहीं, लोगों मैंने कोई संघर्ष नहीं किया है ने जबरदस्त ये। किया। आप डीजी बनने से आपके लिए कितनी जबरदस्त आपके लिए प्लानिंग करिएगा कि आपको डीजी तक नहीं पहुंचाने दिया उनने। नहीं, मैं तो डीजी 7 साल रहा हूँ। नहीं, डीजी आप पहले तो रहा है ना पूरा। हाँ, वो मैं मैंने देखा ना, पहले होमगार्ड, फिर भाई साहब इसमें चले गए रजत, रेलवे में था पहले, और फिर उसके बाद फिर होमगार्ड में, फिर पुलिस रिफॉर्म में, 3 जगह में डीजी रहा हूँ। तो बड़े खेल होते हैं, बड़े खेल होते हैं नहीं, लेकिन आपका ये जबरदस्त बेसिकली राजनेताओं का तुच्छ चरित्र है, कुछ और चरित्र। ये राजनेता जो है ये तुच्छ चरित्र के घटिया काले लोग हैं, और इन्होंने आपको गुलाम बना के रखा है, और आप लोग समझ नहीं पाए कि आप गुलाम हैं। और ये 15 अगस्त 26 जनवरी का जो है ना घुट्टा पिला के आपको ये एहसास दिलाया गया कि आप गुलाम नहीं हैं। यदि आपने मुझे सुना है तो आप जरूर जानते होंगे कि इस बात को मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल भी अभी गुलाम हैं और आप बड़े गुलाम हो गए हैं। सही, सच 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 ये सच बड़े गुलाम वाली बात से आप कहां तक सहमत हैं? 100% मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये सच है। ओके, और आप ये बात समझ रहे हैं कि ये जो आप राजनेता ज्यादा बड़े गुलाम हो गए हैं। ज्यादा बड़े गुलाम हो गए हैं, क्योंकि जिस गुलामों के जो नियम कानून हैं उन्हें और कड़ा कर दिया गया है, और जो बादशाही व्यवस्था है उसे और अधिकार दे दिए गए हैं जिसकी अकाउंटेबिलिटी जीरो है, और ये राजसत्ता में बैठे लोगों के जो है ये लोग जो है चरण सेवक बन गए हैं, चापलूस बन गए हैं। तो कुल मिला के राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स की साठगांठ के तहत भारतीय जो है एक बड़ा गुलाम बन गया है। और ये सोचो, जब अंग्रेजी सल्तनत के सामने हमारे जो छोटे से जो है ना फ्रीडम फाइटर्स उन्हें चुनौती दे लेते थे, अब बड़े बड़े लोगों की दत्ती बंद रहती है, बत्ती बंद गोल रहती है, और उनकी जबान खोलने की हिम्मत नहीं होती है। हाँ, मैं तो भाई साहब एक बार बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा अच्छा रहा मैं पुलिस सर्विस में नहीं गया, मेरा भी, मैं सब इंस्पेक्टर की जॉब में था, मैंने छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद मैं मीडिया में आया, मैंने एक दिन देखा नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले पे, पुरुषोत्तम शर्मा जी आईपीएस ऑफिसर हैं, मैं उनकी बड़ी रिगार्ड करता था, जी जानता था मतलब। लेकिन मैंने उनको देखा कि वो पब्लिकली उनके सब पैर छुए उन्होंने। मैंने कहा इनके इनको क्या जरूरत थी यार, ये आईपीएस ऑफिसर हैं, क्यों पैर छू रहे हैं? पैर छू के मतलब केवल इसलिए कि कहीं वो हो जाए। मैंने फिर भी उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा बड़ा दुर्भाग्य वास्तव में देश का। देखो, चरण सेवक बनने से बड़े फायदे हैं। हनुमान जी भगवान राम के चरण सेवक रहे तो जो है वो कहना चाहिए कि अमर हो गए, और आज हाँ, भी जो है भगवान राम से ज्यादा पूजनीय हैं। और बिल्कुल जो भगवान जो हनुमान को जो है ना ध्याता है, वो हाँ उसके ऊपर भगवान राम की कृपा अपने आप ही हो जाती है, ठीक है ना? सही तो है। चरण सेवक बनने के बहुत फायदे हैं, लिहाजा हर कोई चरण सेवक बन रहा है, यही हमारी हाँ, हर कोई बन विडंबना रहा है, हर कोई बन रहा है, है। भयंकर करेगा क्यों? तो चरण सेवक बनने में ज्यादा फायदे हैं, राइट? ज्यादा फायदा है। आदमी को इजी इजी लगता है, इजी लगता है, इजीएस्ट हो जाता है। तो मानवेंद्र नाथ जी, थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल सा जो है अपने, देखिए, अपने पेट के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए हर किसी को काम करना है। अपने खाली समय में जुड़ जाइए क्राइम फ्री भारत मिशन से। जुड़ गया भाई साहब, जुड़ गया हूँ। नहीं, आपने उसको ऐप को डाउनलोड किया है? मैं अभी आपको भेजता हूँ। मैं अभी बुक कर लेता हूँ, मतलब आपसे नहीं, जो मैं बोल रहा आपको हूँ ऐप मैं। भेजता हूँ ना, उससे आप जी डाउनलोड हो जाइए। जी 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 और इसमें इतनी बृहद संभावनाएं हैं जी कि भैया, आप इन राजनेताओं को बिना खर्च के हरा सकेंगे। बिल्कुल भाई साहब, हम जो बिल्कुल है चुनाव प्रचार भी नहीं करेंगे, कोई रैली भी नहीं निकालेंगे। हमारे 100 करोड़ लोग अपने छत पे खड़े होकर थाली बजाकर, दीपक जलाकर, इन क्षुद्र हाँ चरित्र के सफेद पोशों के, जिनके इस पोशाक को छोड़कर बाकी हर चीज काली है, जी उन्हें जो भैया, है
ना केवल परास्त करेंगे, ना केवल पराजित करेंगे, बल्कि अधिकांश राजनेताओं की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल तो बिल्कुल ये जब तक देखिए, यदि ये धर्म युद्ध पूरी तरह से नहीं लड़ेंगे तो बीच का कोई रास्ता नहीं है। करेक्ट और करेक्ट इसके इस जो धर्म युद्ध की परिणति ये है कि आपको पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर गुलामों के जो नियम कानून और व्यवस्था आपके ऊपर थोपी है उसे बदलना होगा, बिल्कुल आपको इस देश को अपराध मुक्त बनाना पड़ेगा, वो भी 5 सर्टेंटी के साथ, जिसमें हाँ बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो, जिसमें जी 15 दिन के अंदर क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन हर हाँ हालत में जो है विवेचना पूर्ण करके अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश करेगा, और जी 30 दिन के अंदर जो है बिना हाँ कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय होगा, और ग्रेट डिजिटल हाँ और 34 सर्टेनिटी में डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से आगे चल के 5 साल के बाद लगभग 99% केसेस में अपराध घटित करने के पहले अपराधी पकड़े जा सकेंगे और उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकेगा। और जब आपके डिजिटल चित्रगुप्त को इतना ही सब कुछ अपराधियों के बारे में मालूम है तो जी उन उसी सर्टेनिटी के साथ उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाएगा, तो करेक्ट अपराध घटित करने के लिए अपराधी ही नहीं होंगे। करेक्ट, बहुत बढ़िया ऐसी ऐसी व्यवस्था जमीन पे होगी। फिर जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था जो कि ऐप के माध्यम से होगी, जी, जिसमें खर्च करना अपने आप में एक अपराध होगा। तो ये बहुत नहीं है कि बढ़िया खर्च विहीन होगी, खर्च करना ही अपराध होगा उसमें। वो यदि बहुत आप खर्च बढ़िया करेंगे तो संज्ञेय अपराध होगा, नॉन अवेलेबल होगा, कम से हाँ कम 5 साल की सजा होगी, राइट, और हाँ 45 दिन में जो है ना आप जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएंगे, ठीक ग्रेट भाई है ना। तो जी इस तरीके का, और आगे चल के पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा, और पेपर करेंसी मुक्त भारत होते ही आपका भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की ट्रेल जो है ना रहेगी, ना हवाला होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना टुकड़े गैंग होंगे, ना हथियार गैंग होंगे, ना माफिया होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल एक लाइन से, एक छोटे से कदम से ये सब जमीन पे उतारा जा सकेगा, और फिर क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन अपने एग्रो आयुष मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ाएगा, तो उन्हें फ्रीबी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उन्हें रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं होगी। काम करेंगे वो नए भारत में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, कोई फ्रीबी नहीं होगी, एक मजदूर भी जो है 50 हजार रुपए पर मंथ का जो है परचेजिंग पावर होगा, उसे 25 हजार रुपए का जो है ना वो मिलेगा, और लगभग 25 हजार रुपए जो है उसका जो है इक्विवेलेंट उसे रेवेट मिलेगा, तो वो 25 हजार कमाएगा, 50 हजार के इक्विवेलेंट उसकी परचेजिंग पावर होगी, और यदि एक परिवार में 4 लोग हैं तो 2 लाख रुपए पर मंथ जो है वो परिवार कमाएगा, और 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला परिवार निश्चित रूप से अच्छे घर में भी रहेगा, वो खुद अच्छा खाएगा, बच्चों को भी अच्छा खिलाएगा और अच्छी शिक्षा देगा, उसे किसी फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी, किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी, और 137 करोड़ हाथ जो है वो कम पड़ जाएंगे। हमारे जो है दूसरे देशों के लोग भारत में आके काम भी करेंगे और रिसर्च और डेवलपमेंट भी करेंगे, भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होगा और विश्व गुरु भी होगा। जय हो जय हो जय हो, ग्रेट भाई साहब, बहुत लेकिन वो बढ़िया जो है तभी हो पाएगा जब आप पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर वैसी नियम कानून और व्यवस्था उतारेंगे जिसमें करेक्ट जो है केवल जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि उसमें 2 लेवल के चुनाव होंगे। पहले लेवल में आपका लेजिस्लेचर चुना जाएगा, और फिर उसी समय लेजिस्लेचर जो चुने हुए लेजिस्लेचर दे विल इलेक्ट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो चीफ मिनिस्टर की मर्जी से या प्रधानमंत्री की मर्जी से अपने पद पे नहीं होंगे, वो एक डायरेक्टली लेजिस्लेचर से इलेक्ट होंगे और पूरे समय तक वहां रहेंगे, राइट। बहुत बढ़िया और जो पार्लियामेंट है ये 365 दिन चलेगी, ये समर और विंटर सेशन नहीं होंगे कि बंद कर दिया, खला कर दिया, क्योंकि इन कानूनों को बदलने के लिए 365 दिन भी कम पड़ जाएंगे, ठीक है ना। लगातार काम करना तो पड़ेगा। लगातार काम करेंगे, और लेजिस्लेचर जो है कानून बनाने का काम करेगी, वो जाके यहाँ पे आजकल जो चौधराइट और एग्जीक्यूटिव काम करने की कोशिश करती है वो करने की ना उसको जरूरत होगी और ना ही अवसर। और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो जो है जो ऑलरेडी प्रोक्लेम्ड जो है ना चीजें हैं उनको जमीन पे उतारने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे, ऐसा भारत होगा। और ग्रेट ये ग्रेट भारत जो है
आपके शक्ति से बनेगा, आपके चंद्रगुप्त होने से बनेगा। आपको जो है इसके लिए चार तरीके के संकल्प लेना है। आपने मालूम नहीं, मुझे फॉलो किया है तो मालूम होगा वो चार संकल्प कौन कौन से हैं। नहीं मैं नहीं 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 देखा मालूम मैंने। है तो आप हर किसी को अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना है, जी अपने मित्रों को जोड़ना है, रिश्तेदारों को जोड़ना है, और जो विभिन्न सर्कलों से वो जुड़ा हुआ है उन सर्कल के लोगों को जोड़ना है। तो इसके लिए चार तरीके के व्रत या संकल्प हैं। पहला जी जी संकल्प कह रहा है, वो सबसे छोटा संकल्प है, वो 9 दिन का संकल्प है। उसके इसमें आपको 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है प्रतिदिन, और उन्हें भी ऊर्जाकृत करके और संकल्पित करके। तो जो नहीं हमने आपसे बातचीत की है यही ऊर्जाकृत करना है, क्योंकि हमने आपके अंदर की ऊर्जा को जगाया है, ठीक है ना। जी तो भाई जी भाई, यही ऊर्जाकृत करना है, और फिर ये संकल्प लेना है, जो चारों में से कौन सा संकल्प आप लेते हैं। फिर दूसरा संकल्प है कि आपको 3 व्यक्तियों को प्रतिदिन जोड़ना है, बट फिर आपका संकल्प 90 दिन चलेगा। फिर तीसरा संकल्प है कि आप 2 व्यक्तियों को प्रतिदिन जोड़िए, लेकिन फिर आपका संकल्प 45 दिन चलेगा। और ये चौथा संकल्प है कि आप 1 व्यक्ति को प्रतिदिन जोड़िए, फिर आपका संकल्प 90 डेज चलेगा। बहुत इसका बढ़िया। मतलब है कि यदि हम सही मामले में संकल्पित होकर अपना काम करते हैं, तो 91 मतलब 91 दिन जो है, आप इतने पावरफुल होंगे कि हाँ ये जो है ना, शासन और प्रशासन आपके विरुद्ध कोई भी गलत काम नहीं कर पाएगा। और हाँ हम जो है 2024 में हर हालत में संकल्प बिना खर्च किए, संकल्प शक्ति के आधार पर थाली बजाकर, दीपक जलाकर और संकल्प को दोहराकर हम अपने चंद्रगुप्तों को जिता पाएंगे। और वो चंद्रगुप्त तो खुद तय करेंगे कि वो चंद्रगुप्त हैं, क्योंकि जो जितने लोगों को जोड़ेगा उसको उतने प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, और हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट वाले व्यक्ति को जो है एमएलए एमपी का टिकट बांटा जाएगा। और बहुत फिर जो है उसको बिना खर्च के, बिना रैली निकाले, बिना प्रचार किए, किसी के यहाँ कोई नहीं जाएगा, सब लोग बहुत अपनी छत पे खड़े होके उसके फेवर में संकल्प करेंगे, और संकल्प शक्ति के आधार पर बिना खर्च के वो जीतेगा। और जीतने के बाद जो उसके अधिकांश अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट वाला व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा, और उससे कम पाने वाले फिर मंत्री बनेंगे। तो आप अपनी सामर्थ्य से टिकट भी लेंगे, अपनी सामर्थ्य से आप विधायक भी बनेंगे, अपने सामर्थ्य से आप सांसद भी बनेंगे, अपने सामर्थ्य से आप मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। करेक्ट तो इसके लिए आपको किसी को मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही मैथिली शरण गुप्त को तेल लगाने की जरूरत है। ये सिस्टम ड्रिवन है, और ये चीज बड़ी आसानी से हो सकती है, और ये हर व्यक्ति जुड़ सकता है। जैसे मान लो आप हैं, तो आप अपना काम करिए पत्रकारिता का, और इसके बाद जो है अपने व्यक्तिगत जीवन में तो आप किसी का दखल होता नहीं है। जी तो जी यदि आप 1 घंटे भी इसको डेडिकेट करेंगे तो जी आप भाई वो कर ले जाएंगे। तो आपको अपने परिवार के लोगों को जोड़ना है, मित्रों को जोड़ना है, रिश्तेदारों को जोड़ना है, सर्कल वालों को जोड़ना है। फिर हमने इसमें 3 चीजें और निकाली हैं कि हर कोई अपने क्षेत्र के जो है शिक्षण संस्थानों की सूची बनाए, और वहां पर जो है जहां उसका प्रभाव है पहले उनको ले ले, और जहां प्रभाव नहीं है वहां उसके बाद ले, वहां के प्रिंसिपल और प्राचार्यों को पहले जो है ना इसमें जोड़ें, और इसके बाद उनके माध्यम से छात्रों को ऊर्जाकृत करके उनको जोड़ें, और छात्रों के माध्यम से सभी के परिवारों को जोड़ें। तो बहुत ये युवाओं को जोड़ने का है। फिर दूसरा है दरिद्र नारायणों को या गरीब नारायणों को जोड़ने का है, क्योंकि इनके प्रति ये व्यवस्था सबसे ज्यादा अत्याचार कर रही है, राइट। तो चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो हाथ ठेले वाले हों, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, या कोई भी गरीब व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म का हो, उन लोगों में ऊर्जाकृत करके उन्हें चंद्रगुप्त बनाना है, जिससे वो आगे चल के स्वयं जो है विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने की हैसियत पैदा कर सकें। क्योंकि जो जितना श्रम करेगा, जो जितना एनर्जी से भिड़ेगा, जो जितने अधिक लोगों को जोड़ेगा, वही चंद्रगुप्त होगा, और वही आगे चल के सम्राट भी बनेगा। फिर बहुत जो बढ़िया है तीसरा जो है वरिष्ठ नागरिकों का फोकस ग्रुप है, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक जो है, आज के बच्चे जो है वो अपने कामों में फंस गए हैं, बुजुर्गों की बड़ी जो है ना बेइज्जती हो रही है। तो यदि हम लोग जो है ठीक ढंग से भिड़ेंगे तो उनको जोड़ेंगे, और उनकी ऊर्जा से, उनके अनुभव से हम उन्हें चंद्रगुप्त भी बना पाएंगे, और उनसे निवेदन करेंगे कि आगे बन के वो हमारे प्रतिनिधि भी बने, और सम्राट भी बने, विधायक भी बने, मंत्री भी बने, और मुख्यमंत्री भी बने, और प्रधानमंत्री भी बने।
ये बहुत डिपेंड करेगा कि कौन कितने श्रम से लगा है, और हर किसी के लिए इक्वल अवसर अवेलेबल है कि नहीं। ग्रेट ग्रेट, ये बिल्कुल सही है ना, इसमें किसी का कुछ नहीं, अपनी जो आदमी जितनी मेहनत करेगा वो उतना पाएगा सीधे। उतना पाएगा। और इस व्यवस्था के सामने जो है ना, ये छद्म नीति से जो नेता जो ना जो हाँ जो काले चरित्र के लोगों को, घटिया लोगों को टिकट बांट रहे हैं और छद्म नीति से जीत रहे हैं, वो कहाँ टिक पाएंगे? एनी टेकिंग, एनी टेकिंग, नहीं टिक पाएंगे क्या? नहीं टिकेंगे, नहीं टिकेंगे। और ये चेंज आ रहा है और लोगों में समझ आ रही है धीरे धीरे चेंजेस। नहीं, बेसिकली इसमें एक हम बात बताना आपको भूल गए थे कि जब आप लोगों को जोड़ें तो आपको दो तरह के पत्थरों का सामना होगा। एक वो विद्वान पत्थर हैं जो कि स्वार्थी खुदगर्ज हैं, विद्वान तो हैं लेकिन वो विद्वता का पूरा यूज अपने लिए ही करते हैं, और आज के समय में भी वो अपनी विद्वता के आधार पर वर्तमान घटिया सिस्टम में भी काफी मनी बना ले रहे हैं, और उनकी सोच सामर्थ्य और शक्ति जो है वो व्यवस्था बदलाव के लिए उनकी आत्मा नहीं है, लिहाजा वो हमारे लिए पत्थर जैसे हैं। तो विद्वान होते हुए भी वो पत्थर जैसे हैं। हाँ वो उनमें कोई चेंज नहीं। और दूसरे पत्थर वो हैं जिनके प्रति इस व्यवस्था ने अत्याचार किया, उन दुष्टता की, उनके प्रति अन्याय किया, उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे लादे, और वो जो है ना उन्हें समझ में आ गया है कि इस दुष्ट व्यवस्था के तहत कुछ भला नहीं होने वाला है, और वो निष्क्रिय होकर पत्थर हो गए हैं। जब उनके सामने आप अच्छी बात करेंगे तो सहसा उन्हें विश्वास ही नहीं होगा, लिहाजा आपकी एनर्जी उस पर खर्च ना हो। तो दो तरीके के पत्थरों को जैसे ही समझ में आ जाए तो उनसे कहें कि मैं आपके विवेक पे छोड़ रहा हूं और अपनी एनर्जी को हम बचाएं, ठीक है ना। बाद में ये जो दोनों पत्थर हैं ये अपने आप ऊर्जाकृत होंगे और खुद होके आपके पास पहुंचेंगे और आपसे जुड़ेंगे भी। इसके लिए कबीरदास जी का दोहा बचपन में आपने जरूर पढ़ा होगा, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। लाल क्या तो बात। चारों तरफ जब ऊर्जा की झंकार होगी तो कोई भी पत्थर नहीं बचेगा, ये 100 करोड़ जो है वो 137 करोड़ बन जाएंगे, और जब 137-137 करोड़ लोग अपनी छत पर खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर शंखनाद करेंगे तो व्यवस्था परिवर्तन को कोई नहीं रोक पाएगा, और वो भी बिना किसी खर्च के, सच बिना किसी नियम कानून को तोड़े, बिना किसी जो है ना 5 पैसे चंदे में दिए, ना ही कोई जुलूस निकालना है ना कुछ करना है, और बदलाव होगा, और ना केवल बदलाव होगा बल्कि अधिकांश इन काले चरित्र के राजनेताओं की जमानतें जब्त होंगी। तब सही कानून का उपयोग होगा भाई साहब। अभी तो लोग अपने कानून का उपयोग अपने हिसाब अभी से तो कर कानून गुलामों का है, कानून ही बदलने की जरूरत है, व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। जिसको आप व्यवस्था जानते हैं आपके तो एहसास में ही नहीं है कि क्या बदलना है, आप तो इसी को अच्छा मान रहे हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे तो मानवेंद्र जी, जी भाई साहब, जी आप भाई कितने हद तक हमारी बात से सहमत हैं? साहब, हम 100% है भाई साहब। और तो मैं मैं आपको भेज रहा हूं, भेजिए भाई और साहब। आगे चल के हम लोग वीडियो पे बात करेंगे तो वो लिंक राइट भी हम आपको भेज रहे हैं, राइट, ठीक बिल्कुल है ना। बिल्कुल आप बिल्कुल क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जी भाई उसमें साहब, 1700 से भी अधिक वीडियो हैं, हर विषय पे वीडियो हैं कि हम उसे कैसे हासिल करेंगे, तो उससे हाँ आपको जो है ऊर्जा मिलती रहेगी और आपका ऊर्जा का लेवल मेंटेन रहेगा। राइट भाई साहब, थैंक यू, चलिए बहुत मानवेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे जय, मातरम। ओके, धन्यवाद।